नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने आपको एक बड़ी गिरावट दिखाई है। इनफैक्ट जब इस स्टॉक के नंबर्स आए वो नंबर काफी ज्यादा खराब थे, जिसके बाद ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखा। इस शेयर की बात करें तो 108.80 के लेवल्स पे स्टॉक आके ट्रेड करता हुआ दिखा है, क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे यानी कल के सेशन में। एंड स्टॉक ऊपर में लगभग 124 रुपए का हाई लगा क्या है। अगर प्रीवियस गिरावट के लो की बात करें तो वो 102.25 का था। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक अगर 102.25 का लेवल होल्ड करता है तो फिर स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एंड अगर आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वो आपको 107 रुपीज के समथिंग दिखाएगा। तो वो ट्रिपल ट्रेंड लाइन का मतलब ही होता है जब आपके पास थर्ड टाइम वो स्टॉक वापस अटैक करे ना, तो वो दैट मींस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन है। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है आपको पता है, लोअर जो लोज होते हैं उसके बॉटम के ऊपर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जा रहा है नीचे, 107 अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो दैट मींस स्टॉक कहीं ना कहीं फिर एक आपके लिए नीचे जो 102 103 रुपए के लेवल से वो दिखा सकता है। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर्स के लिए। टेक्निकल लेवल्स पे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो करेक्शन दिखा चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी ने, वैसे मैं आपको बता दूं ये पोजिशनली अच्छा दिख रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा ऐसा लग रहा है। स्टॉक कंटिन्यू हायर हाईज ही दिखा रहा है और बहुत ऑलरेडी करेक्शन हो गई वन साइड, तो एक बाउंस बैक आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं मेटल स्टॉक्स नंबर्स तो खराब पेश कर रहे हैं लेकिन कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पेश कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली हिंडाल्को के नंबर देखे, खराब थे लेकिन जो इनकी नोवेलीज है, जो मतलब एल्यूमिनियम के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, वो कहती हुई दिख रही है क्वार्टर फोर हमारे लिए टर्न अराउंड स्टोरी होगा। डिमांड है वो काफी हैविली बढ़ती हुई दिख रही है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, चाइना के ओपन होने से अच्छा खासा मूड माहौल मेटल्स में बनता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील की पर्टिकुलरली बात करें तो टाटा स्टील के भी कुछ बड़े प्लान है। यहाँ पे आपको याद होगा पिछली साल कंपनी की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने कहा था कि हम लगभग 12 से 13 हजार करोड़ का केपेक्स कहीं ना कहीं हर साल करेंगे, ठीक है, केपेक्स कह लीजिए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, और अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखी तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। डेट रिडक्शन की बात करें तो इन्होंने कहा था हम अराउंड 100 बिलियन कहीं ना कहीं जो है रिड्यूस करते चलेंगे डेट हर साल, लगभग 7 से 8 हजार करोड़ के समथिंग। हम पूरी तरीके से एक बार में डेट खत्म करके डेट फ्री होना नहीं चाहते हैं, हम डेट के मामले में कंफर्टेबल हैं, हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे है और हम केपेक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये कंपनी ने क्लियर किया कहा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आई हैं। यहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस है वो इनके कालिंगनर प्लांट एंड नीलांचल इस्पात को लेकर है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को ये लगभग 1 मिलियन टन तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं FY24 तक, ये टाटा स्टील के MD कहते हुए दिखे हैं। वहीं कालिंगनर प्लांट की बात करें तो वो भी अच्छी खासी कैपेसिटी पे काम कर रही है, उस पर भी अच्छा खासा कहीं ना कहीं पैसा लगाया जा रहा है, केपेक्स इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर टाटा स्टील नीलांचल इस्पात की बात करें तो लगभग 3600 करोड़ का तो ऑलरेडी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है, एंड क्वार्टर फोर में लगभग 3000 करोड़ और खर्च करने की सोच रहे हैं। तो ये एक बड़े कहीं ना कहीं इनकी तरफ से लक्ष्य आ रहे हैं नीलांचल इस्पात एंड कालिंगनर प्लांट को लेकर, ये केपेक्स अच्छे कर रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली बात है जब ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें डिमांड दिख रही है, दैट मीन्स आने वाले समय में मेटल स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है। मेटल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर चाइना धीरे धीरे खुल रहा है, जो कि इन कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। टाटा स्टील की बात करें तो मैं आपको बता दूं HRC के दाम रिसेंटली तो आपने गिरते हुए देखे थे और उसके चक्कर में प्राइसेस गिरे हैं और इसके चक्कर में आपने रिजल्ट्स खराब आते हुए देखे, लेकिन हम इस साल जनवरी से देख रहे हैं HRC एक बार 2000 और एक बार 1500 रुपए का हाइक ऑलरेडी ले चुका है, यानी कि हॉट रॉयल कॉइल स्टील जो होता है वो HRC अपने रेट ऑलरेडी बढ़ा चुका है। मुझे लगता है स्टील कंपनीज भी धीरे धीरे अपने प्राइजेस गेन कर रही हैं, जो कि इनके आगे चल के मार्जिन्स पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और इनके कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं, जो लागत है, आपको पता है गैस नीचे आ चुकी है तो जो मेल्टिंग का जो इनका नेचुरल गैस जो मेल्टिंग का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होंगे, तो उसकी वजह से मार्जिन्स पे अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आने वाले क्वार्टर में आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए
दिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बिकवाली करने की राय नहीं होगी अगर आप पोजिशनली देख रहे हैं तो। मैं आपसे ये कहूंगा आप धीरे धीरे हर 2% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, 102 रुपए तक ऐड करना है आपको, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब किसी को लगता है भाई यहीं से घूमे तो 40% पैसा अभी लगा दो, किसी को लगता है आराम से लगाएंगे तो 30% लगाओ, फिर 30, फिर 30 और फिर 10%, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट 112 रुपए का बनेगा, दूसरा 115 और तीसरा 124 रुपए का होगा। इसका टॉप 124 का ही लगा के आया। वैसे स्टॉक ओवरऑल देखा जाए तो 138 रुपीस तक के लिए जाने की तैयारी करता हुआ दिखेगा आपको जल्दी ही। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हायर हाइज लगाता हुआ चार्ट फॉर्मेशन अच्छा दिख रहा है स्टॉक का। एंड स्टॉक की बात करें तो मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है, बट इतना जरूर है कि स्टॉक में एकदम से सब नहीं खरीदना, धीरे धीरे लेना है। एक चीज और कहना चाहूंगा, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं 10 साल का व्यू रख के खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीदूं। तो मेरा व्यू ये होगा कि आप टाटा स्टील के बदले अगर आपको मेटल में स्टील खरीदना है तो फिर आप JSW स्टील के साथ जाइए, मेटल खरीदना है तो हिंडालको के साथ जाइए, एल्यूमिनियम के साथ ज्यादा आपको पैसा बन सकता है, और मे बी आप वेदांता को भी चुन सकते हैं, वो भी एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है और अच्छा दिखता है। तो ये मेरी आपके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन और राय होगी। होप आपको वीडियो समझ में पसंद आना आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।